शरीर बना है काम के कारण, जब शरीर नष्ट होगा तभी काम नष्ट होगा। अरे माता पिता के मन में काम आया तब हमारी उपलब्धि। भगवान के भी परमात्मा के हृदय में भी जब कामना जागृत हुई तब सृष्टि हुई। सो अकामय एक हम बहुत से आप प्रजा प्रजा के लिए उनको भी कामना करनी पड़ती। तो ये काम शरीर के रहते रहते जाने वाला नहीं है, ये आत्म। इसलिए शत्रुति या शोधम इनको सहन करना है का मतलब, अब कोई गुंडे बदमाश घर में घुस गए आपकी इच्छा के विरुद्ध भी, तो आप उनकी हेल्प मत करो, उनको दबाने की कोशिश करो, पकड़ करके उनको दिखा दे मेरा रुपया यहां रखा हुआ है, मेरी संपत्ति ये है। ऐसा करना अविवेक। विवेक ये कहता है आप उनको सहयोग मत दो। जब तक आप सहयोग नहीं दोगे तब तक काम क्रोध आदि कुछ कर नहीं सकते। बुद्धि के द्वारा उनका औचित्य सिद्ध मत करो। अगर बुद्धि के द्वारा इनका औचित्य सिद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं। कठिनाई यह है कि हम उनके साथ अपनी बुद्धि को भी लगा देते हैं और बुद्धि को लगा के मन को भी लगा देते हैं और तब क्रिया रूप में परिणित होता है। क्रोध आ गया तो किसी को गाली देना न देना अभी भी आपके हाथ में है यदि आप सावधान हैं। अगर सावधान हैं तो किसी का अपमान नहीं करें। अगर काम इत्यादि के उद्वेग आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन नहीं दें। देखो ये साधक लोगों के समझने की चीज है, इनको कैसे इनके द्वेगों को रोकोगे तो विचार के द्वारा और क्रिया के द्वारा कर्म के द्वारा। ये आ तो गए हैं हमने समझ आ गए गुंडे हैं विचार में आ गया तो इनको सहयोग मत करो। ध्यान रखो विवेक करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हमारे प्रयास से होते हैं जबकि काम क्रोध अपने आप आते हैं किए नहीं जाते। तो कोई की समझ में हम लोग हम जानते सब है लेकिन कुछ टच कटहराई करके नहीं समझ पाते। क्रिया एक अलग चीज है, विचार एक अलग चीज है और मन एक अलग चीज है। क्रिया शरीर के स्तर पर होती है, हाथ की क्रिया, पैर की क्रिया, जबान की क्रिया, ये सब के सब जब तक हम उसके साथ शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करेंगे। हमारे कहेंगे जब तक शरीर तादात्म्यपन नहीं होंगे, माने शरीर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ देंगे तब तक क्रिया नहीं होगी। कई लोग तो ऐसा लोग हमारे संतराम भाटिया को या धनीदा उसके हाथ पैर को हिंदी में सब समझता था, न बोल पाए न कर पाए। हम कहते हैं
मन के अंदर आ रहा था, देखा कि नेत्रों से पता चल गया कि महाराज क्या है, इनको दंडवत करना चाहिए। तो शरीर जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक क्रिया नहीं होगी। तो शरीर तादात्म्यपन्न हुए बिना क्रिया नहीं। जब तक बुद्धि तादात्म्यपन्न नहीं होंगे तब तक विचार नहीं करना। आ तो गया मन में लेकिन विचार, अरे भाई ये कुछ ही तो नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, ये हमारे बड़ों के सिखाए हुए मार्ग से अलग है। समाज में इसको स्वीकृति नहीं दी गई है। तो इस तरह से विचार तादात्म्य, जब बुद्धि के स्तर पे तादात्म्य होगा तो विचार करेंगे, और जब मन के साथ तादात्म्य कर लेंगे, मनमानी करेंगे, तो विकार क्रोध इत्यादि आए। तो इसलिए कहा है काम क्रोध जब आ जाएंगे तब पता चलता है, घर में घुस आते हैं तब पता चलता है। तो घर में घुसे हुए शत्रु को नियंत्रित करने के लिए विवेक चाहिए और क्रिया के द्वारा उसका असहयोग चाहिए कि वो कहे कि ऐसा कर लो तो वैसा नहीं करो। शरीर यही साधन जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुवदेव सुस्वरम। तो उसके लिए कहा था भगवान ने अभ्यासेन कौन्तेया वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य माने क्या है? जिस वस्तु का उचित है ये ज्ञान हो गया उसकी ओर आकर्षित हो, और जिसपे हमको विवेक से पता चल गया ये हमारे लिए हानिकारक है उससे बचने की कोशिश करें। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, इंद्रियों की प्रवृत्ति पे नियंत्रण करना है। चाहे कितनी बढ़िया खीर बनी हुए और उसमें पता चल जाए थोड़ा सा जहर गिरा है कितना सा, भूख लगी है, शुगर की बीमारी नहीं है, हाजमा एकदम ठीक है, परोसने वाला उदार, इतना बड़ा डब्बू डब्बू ले जाए पर खीर राम खीर राम खीर राम, उसका सौंदर्य उसका सौरभ उसका सुस्वादुपना हमको आकर्षित नहीं करेगा, इसका नाम वैराग्य है। तो उसका यथार्थ रूप हमको जब ज्ञात हो गया तो यथार्थ रूप के ज्ञान से वैराग्य स्वाभाविक होता है। इसी कहते हैं विवेक पूर्वक वैराग्य। वैराग्य पहले होगा फिर विवेक करेगा, ऐसा धंधों के मत रहे। और इसीलिए विवेक प्राप्त करने के लिए सदा सत्संग करना है, भक्ति सदा सत्संग। हमारे अभी वैदिक गण कल भी उच्चारण कर रहे थे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मातृवलित, सदैव सत्संग के किले के अंदर निवास करना चाहिए। कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो, नहीं तो जो सुना उसको गुनगुनाओ भजन करो, नहीं तो कोई शास्त्र ले करके अपने आप को जब भी अवसर मिले तो सत्संग के कवच में
विवेक के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखने की चेष्टा करें। विवेक रहेगा तो जाना भी तब इच्छा भी तब क्रियते। तो इसलिए अगर विवेक दृढ़ है तो फिर अपने आप इच्छाएं नियंत्रित होंगी, स्वाभाविक भूत होंगी, जरूर होंगी शरीर के धर्म में, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त हो जाएंगी और तब फिर क्रिया रूप में उसका परिणय नहीं होगा, क्रिया रूप उसकी परिणति नहीं होगी। आप विश्वास करें ये केवल आप कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए शक्नोति यह शोधम प्राप्त शरीर पहुंचा, आपको अपने आप सहन करना पड़ेगा इनके वेगों को, इनके वेगों को हम सहन कर पाएंगे गुरुआश्रय ठाकुर जी की कृपा और संतों हमारे ही हैं, उनके अनुग्रह में हम लोग निरंतर रहे, प्रभु कृपा अवश्य बरस रही है, हम उसका अनुभव कर पाएंगे। सभी संतों महापुरुषों के जन्म प्राप्त करेंगे आचार्य जी से यहाँ हमारे साथ ऐसे बढ़िया मौसम में बैठे और अपने घरों में सुविधा को जो ज्ञान के माध्यम से हम साथ साथ जुड़े हुए सबके मंगल कामना कर